नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल वे ओवरसीज। दोस्तों अभी मलेशिया का क्लाइंट इंटरव्यू हो चुका है, कोलकाता में भी हुआ, गोरखपुर में भी हुआ और मुंबई में भी हो चुका है। मुंबई में परसों था 18 तारीख को, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, काफ़ी मात्रा में लोगों ने भाग लिया, कई लोगों का मीन्स ऑलमोस्ट सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ ही लोगों का रिजेक्शन हुए, बाकी लगभग सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ सब लोगों को बधाई हो और वो अगले स्टेप मेडिकल के लिए जाएंगे, और जिन लोगों का नहीं हो पाया उन लोगों से मैं कहूँगा कि थोड़ी प्रोफाइल के ऊपर वर्कआउट करें, उनका कहीं ना कहीं ज़रूर होगा या आने वाले टाइम पर इसमें भी हो सकता है। इनका वेरी सिंपल क्राइटेरिया है, एक वेट के ऊपर काम करना है, एक हाइट के ऊपर काम तो नहीं कर सकते हैं, बट हाइट का क्राइटेरिया है तो शायद नहीं बोल सकते, मेडिकल अनफिट होगा तो भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वेट का है तो वेट आपको मैनेज करना होगा, और आने वाले टाइम पर जब दोबारा इंटरव्यू होगा तब उनका प्रोसेस किया जा सकता है। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिनको कन्फर्मेशन दिया गया है, वो लोग मेडिकल के लिए मुंबई में मेडिकल करवाएं, और जो नंबर दिया जाएगा इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे आप कॉल करके कोऑर्डिनेट करें और मेडिकल कंप्लीट करें। जिन लोगों का मुंबई में इंटरव्यू हुआ था, मुंबई में जो लोग 18 तारीख को थे, वो सभी लोग जिनका मेडिकल हो गया वो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ वो लोग उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे और कोऑर्डिनेशन करके कल के दिन मेडिकल करेंगे। ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि अभी ये स्लॉट है कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन हुआ है, और अगर इस स्लॉट में हम अगर मेडिकल करके जमा करेंगे तो वीज़ा हमारा मिस अभी प्रोसेस हो जाएगा। अब ये वीज़ा प्रोसेसिंग कैसे होने वाला है, इसमें स्लॉट के हिसाब से होगा, 1, 2, 3, 4, 5, एक बार में लगभग 100 वीज़ा एप्लीकेशन में जाएंगे, तो 5 स्लॉट्स होंगे, पांचों स्लॉट के हिसाब से जिसका जिस स्लॉट में होगा उसके हिसाब से उसको टाइमिंग दिया जाएगा, और उम्मीद की जा रही कई सारे लोगों का मिस, अधिकतम लोगों की जो वीज़ा आएंगे ना वो हमें जुलाई महीने में मिलने लगेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जिन लोगों का मेडिकल नहीं हुआ है और उन्होंने 18 तारीख को इंटरव्यू अटेंड किया था, वो लोग मुंबई में हमारे कलीग से मिलें, वो नंबर दिया गया उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, कोऑर्डिनेट करें और मेडिकल के लिए वहाँ मेडिकल सेंटर पहुँचें। मेडिकल सेंटर पहुँचने से पहले उनके पास में पासपोर्ट की एक जेरोक्स कॉपी होना चाहिए, 6 फोटोग्राफ होना चाहिए और एक वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तीनों चीज़ें उनके पास में होना चाहिए। पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी और एज 43 साल से कम होना चाहिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें से उनकी सेकेंड डोज की जो डोज है ना वो 15 डेज से पहले ली गई हो, वैसा होना चाहिए। ये सभी चीज़ें होंगी तो फिर वो वहाँ पे आ सकते हैं। कल के दिन 9 बजे नाश्ता नहीं करें और नारियल पानी पीकर जाएं और मेडिकल करवाएं। कल मेडिकल करके पासपोर्ट और रिसिप्ट हमारे कलीग को हैंड ओवर करेंगे, आप अपने होम टाउन वापस जा सकते हैं। दोस्तों ये सिंपल था, काफ़ी आसान था, कई लोगों ने इसमें भाग लिया और ऑब्वियसली आप लोगों ने भीड़ देखी होगी, काफ़ी लोग इसमें एक्साइटेड थे, उत्साहित थे, जिन्होंने जिनको अप्लाई करना था मलेशिया में, और सभी लोगों का जो काम हो गया है वो लोग मेडिकल के लिए जाने वाले हैं। आज भी काफ़ी लोगों का मेडिकल हो चुका है, अब जिनका नहीं हुआ है वो हमारे कलीग को कॉन्टेक्ट करें, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।